शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से एक मिनट। अबे बेटा। हाँ बेटा, तू बाजार जा और कीर्ति को वहां से ले आ, चल जा। अरे ऑटो। मैंने सुना था आप रिक्शा वाले से कह रहे थे ना आपको जवाहर नगर जाना है। हाँ। मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, आप बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए बैठिए। बड़ी बहन तो बड़ी बहन, छोटी बहन भी कम गुनी नहीं है। रूप रंग तो देखिए, बड़ा ही किस्मत वाला होगा कीर्ति का दूल्हा। जजमान, परसों का दिन सगाई के लिए बहुत ही उत्तम है। सक्षम जी, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। यशवी जी, बधाई हो। आपको भी। सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ी भाभी को देखिए, राजधानी एक्सप्रेस बनी हुई है। कितनी तेज भाग रही है। कल लड़की देखी और परसों सताई। अरे आपका है, मालगाड़ी बने घूम रही है। आपको केवल मजे लेने आते हैं ना। कल जो पलटी मारी ना, हम भूले नहीं हैं। लेकिन हम अपने इरादे से एक इंच भी पलटी नहीं मारने वाले। हाँ चलो सेल्फी लेते हैं। एक सेकंड, हमारा मेकअप खराब हो गया। हम ना टचअप करके आते हैं। ठीक है, हमारा भी ना टचअप। थैंक यू, बहुत प्यास लगी थी। वो क्या है ना, माहौल में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है। हमें लगता है ना, पानी की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। मैं तो कहता हूँ चट मंगनी पट ब्याह कर लेते, इसी खर्चे में निपट जाएंगे। करके मैं खुद को आप हम आपके हैं कौन का सलमान खान समझने की गलती तो नहीं कर रहे हैं। वैसे उससे कम भी नहीं समझते हैं। तो क्या कहती हो, करूँ मम्मी पापा से बात? हाँ हाँ बिल्कुल करिए, पर उससे पहले ना मम्मी पापा को कहिए कि आपके दिमाग का इलाज कराए, कहीं आपकी ये रंगबाजी आपको महंगी ना पड़ जाए। अरे गजब कर रही हैं आप, दूल्हे का छोटा भाई हूँ, दुल्हन की छोटी बहन से थोड़ा बहुत मजाक तो कर ही सकता हूँ ना। ये मजाक करना आपकी खानदानी बीमारी है या आप दोनों भाइयों का टैलेंट? भाई का पता नहीं, पर मेरा टैलेंट तो जरूर है। तो करूँ पापा से बात? मैं तो कहती ना बहुत बढ़ गई है आपकी कायदे में रही है। ये पहले हमारा लेवल देखिए, फिर अपनी शक्ल खुद ही यूटर्न ले लेंगे आप। पता है कितनी लड़कियां मरती हैं मुझसे। प्रॉब्लम सॉल्व, तो लड़कियों से जाके शादी कर लीजिए ना, हटिए। हाय, इसी भौकाल के तो हम दीवाने हो बैठे हैं। अच्छा भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों। अरे बस बस बस, खुश बस। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते आंटी, खुश रहो। अच्छा अब हम चलते हैं, सगाई की तैयारियां भी करनी है। मैं रात को 8 बजे आपको फोन करती हूँ। जी कीर्ति बेटा। हाँ? चलें? हाँ पापा, बाय। Yeah.
कीर्ति, ये क्या हाल करके रख दिया है तूने? कैसे इतना घर फैला देती है? मम्मी आएगी तो पता है ना तुझे क्या होगा। दीदू, मम्मी बिजी होंगी। 8 बजे आपकी सासू माँ से बातें कर रही होंगी। वैसे भी आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, पूजा में जब तेरा ये हाल हुआ है तो शादी में क्या करेगी तू? वो सब तो ठीक है, कि आगे मैं क्या करूंगी, हमें उस बात की स्ट्रेस हो रही है। आप तो चले जाएंगे तो सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तूने इस पूरे घर को संभाल लिया और मम्मी ने तुझे पूरा घर संभालने दिया। कीर्ति, जब तू घर पे मम्मी से इतना डांट खाती है, तेरी सास ससुराल में क्या हाल करेगी तेरा? अरे, सास का घर होगा, सास का काम सास जाने, हमें क्या? ऐसा नहीं होता है कीर्ति, जैसे यहाँ पे मम्मी है ना, वैसे ससुराल में सास होती है और तुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि वहाँ जाके सास की सेवा करनी पड़ेगी? हमसे ये सब नहीं होगा, ये सब आप ही करिए, और स्पेशली अगर ऐसे लोग हो तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग मतलब? कुछ हुआ है क्या? आपको तो हम पर ही शक हो रहा होगा, है ना? ये पकड़िए, पकड़िए, हम बताते हैं। कीर्ति, अरे दीदू, तेरा देवर दीवाना। मतलब? अरे आपका वो देवर है ना, वो अपने आपको हम आपके हैं कौन का प्रेम समझ रहा था। ओहो, तो मतलब उस ओहो को जो मेरी बहना दाने डालकर आई है वो? ओ हेलो, हमने उसे कोई दाना वाना नहीं डाला, हम दाना डालेंगे। कीर्ति, अच्छा इंसान है वो, कितनी हेल्प कर रहा था वो तेरी, और देख तू उसे गलत समझ रही है। गलत नहीं, सही समझ रहा है। अरे सामने साथ उसने हमें प्रपोज कर दिया। तो क्या हो गया? अरे शादी का घर है और वो ठहरा दूल्हे का छोटा भाई, अब तेरे साथ मस्खरी नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? वाह 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 वाह, देवर और भाभी के थॉट्स कितने मिलते हैं, है ना? अब हमें ऐसा लगने लगा कि आप हमारी दीदू नहीं, आप पराई हो गई हैं। पराई? पराई हुए मेरे दुश्मन? दीदू, आप और मम्मी ना हमेशा हमारा कान खींच। चल मानती हूँ इस बात को कि हाँ वो लड़का है थोड़ा बकैत। थोड़ा नहीं, बहुत। लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है वो। वैसे जोड़ी तो कमाल की है। अरे कमाल नहीं, बवाल की है। मम्मी यार, आपको थोड़ा तो देखना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरी प्राइवेसी की। आपको डोर पे जाके पूछना चाहिए, कायदे से नॉक करना चाहिए। अच्छा जी, कायदे से नॉक करना चाहिए, है ना? अरे मम्मी के साथ कोई प्राइवेसी नहीं होती है। वैसे मम्मी को सब पता है। क्या पता आपको? अरे यही कि कैसे तू कीर्ति के आगे पीछे घूम रहा था। मम्मी आप भी ना, कुछ भी। अरे हमारा बच्चा शर्मा आ गया। हाँ, अरे हमें तो बहुत पसंद है बस। मम्मी आपको कैसे पता चल जाता सब कुछ? सुन, तू जिस स्पीड से चल रहा है ना, तेरी गाड़ी ही छूट जाए, इसीलिए अब मम्मी को ही सब करना होगा। इसमें आप क्या करेंगी? सुन, तुझे जो करना था तूने किया, अब बड़ों की बारी है। कल हम कीर्ति के घर जाएंगे तेरा रिश्ता लेके। हाँ। नहीं नहीं मम्मी, इतनी जल्दबाजी मत करो, वो पापा को पता चला ना, पापा हमें वही ढूंढ देंगे। अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं सेटल नहीं हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ अभी। अब वैसे मुझे ना शादी तो कीर्ति से ही करनी है। पर मम्मी अभी नहीं, सो प्लीज आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, प्रॉमिस है मम्मी आपको, प्रॉमिस है मम्मा, प्रॉमिस आपका। अरे बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले इसके पापा से। हाँ गेहूं 18,000। ये रही आपकी फेवरेट चाय। अरे वाह, आज सूर्य कहाँ से उदय हुआ भाई? अरे आप ही ना, बगैर मांगे दो तो पार चाय।
पत्नी का प्यार तो आपको कभी दिखता ही नहीं। तनु चाची, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं दिखता कि हमारे दोनों बच्चे शादी के लायक हो गए। तो अपना रोमांस ना जरा कंट्रोल करके रखिए। अरे आप सही कह रहे हैं। हाँ, दोनों बच्चों की उम्र तो हो ही गई है शादी की, तो क्यों ना लगे हाथ हम अभय का भी रिश्ता पक्का कर दें। अभय की शादी? अब देखिए ना, दीक्षित जी की दोनों बेटियां इतनी प्यारी हैं और वो कीर्ति तो इतनी हसमुख और चंचल। हम कह रहे हैं कीर्ति और अभय का रिश्ता बहुत ही अच्छा जमेगा एक साथ। तनुजा जी, नो नो मतलब नो। अरे यस मतलब यस अनुज जी। अब देखिए, श्रद्धा तो इस घर में आ रही है, तो अगर उसकी छोटी बहन उसकी देवरानी बनकर इसी घर में आ जाए तो इसमें बुरा क्या है। देखिए, अगर दोनों बहन एक ही घर में आएंगी तो वरुण और अभय भी एक ही रहेंगे। अरे दोनों बहनें पूरे घर को बांध कर रखेंगी, हम कह रहे हैं। अरे आपको कब से फर्क पड़ने लगा कि परिवार बंद कर रहे? आपको अच्छी तरह से पता है कि नैना भाभी कभी मंजूरी नहीं देंगी। घर में शादी का माहौल है, प्लीज मैं कोई विवाद नहीं चाहता। अब 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 चाय तो पी लीजिए आप। अरे इतनी ज्यादा शक्कर डाल दी है, कोई इसे पी नहीं सकता। पहले बच्चे की नौकरी तो लग जाने दो, शादी कराने चलिए। अब ओहो, इन मर्दों का भी कुछ समझ में नहीं आता है। कभी मुंह फुलाते हैं तो कभी मान जाते हैं। ये लोग हमारी समझ से तो बाहर हैं, और खास तो हमारी ये अनुज भैया। अरे हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अब हम कुछ बोलेंगे तो आप बोलोगे कि जब देखो तब ये रितु बकैती करती ही रहती है। पर आप ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि किस्मत की लकीरों में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। और वैसे भी नेक काम में देरी क्यों, जाइए अपनी जमदन के पास और बात पक्की कर दीजिए। अरे आरती, कितना टाइम लगा रही हो भाई, देर हो रही है। लड़की भी ना एकदम भी टाइम पे। सुबह सुबह माँ बेटी की सवारी कहाँ चली? और वैसे भैया कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? अरे वो भी सुबह सुबह ना दुकान के लिए चले गए। अरे आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, बुआ के बिना थोड़ी ना रिश्ता पक्का करने जाएंगे। हम अभय का रिश्ता लेकर कीर्ति के पास जा रहे हैं आज। अरे क्या हो गया? बैठ जाइए। बड़ा परेशान करता है। हाँ, जब आपके बड़े भतीजे की दुल्हन की पूजा में आप लपक लपक के काम कर रही थी, तब आपको जोड़ों का दर्द नहीं हुआ? कैसी बात कर रही है आप भाभी, हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं नहीं, हम सब समझते हैं। अरे नैना भाभी की नजरों में आप क्यों बुरा बनेंगी, वो भी हमारे लिए। अरे आरती, कितना टाइम लगाओगी भाई, देर हो रही है, जल्दी आओ। बस आ गई मम्मी, रेडी हो रही थी। हाँ। मम्मी, हम ये जो खुद खुद के जा रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही औंधे मुंह फिर पड़े। अरे आप मेरी बात मानो तो एक बार फिर से सोच लो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। अरे हमको पता है, तू बस चल। ओहो, आज तो इस तूफान के लपेटे में आते आते हम बच गए। बस अब तो हमें मूसलाधार बारिश का इंतजार है। बैठिए ना बहन जी। हाँ हाँ, बैठो बेटा। सॉरी बहन जी, हम बिना बताए चले आए। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, आपका अपना घर है। अच्छा ये बताइए, पहले चाय लेंगे या कॉफी?
अरे नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए, हम नाश्ता करके आए हैं। आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है? जी हाँ, इस समय सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अच्छा, कीर्ति घर पे है, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना। वैसे भी हमें आपसे ही काम था। क्या हुआ, सब सब ठीक तो है? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है बहन जी। हम बस ये कह रहे थे कि हमें और हमारे छोटे बेटे अभय को आपकी छोटी बेटी कीर्ति बहुत ही भाग गई है, और रिश्ता तो जुड़ने ही वाला है, तो क्यों ना दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि कीर्ति आपको पसंद है, पर माफी चाहते हैं, कीर्ति अभी पढ़ाई कर रही है और शादी के लिए तैयार भी नहीं है, और वैसे भी 2-3 साल तक उसकी शादी का कोई इरादा नहीं है हमारा। अरे शादी की किसको जल्दी है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि हम उन दोनों की सगाई करा देते हैं। हाँ। और सच कहें तो बहन जी, हमारा बहू ढूंढने का और आपका दामाद ढूंढने का सर दर्द ही खत्म हो जाना है। तो क्या कहती हैं आप? अच्छी वो सॉरी आंटी जी, मम्मी क्या कहेगी, हमारी शादी की बात हो रही है तब हम कहें। कीर्ति इसे भी पता नहीं चलता, कहाँ क्या मजाक करना है। पर हम मजाक नहीं कर रहे मम्मी, और आंटी जी आपके लिए आपका बेटा सिर दर्द होगा, पर हमें नहीं लगता कि हम अपने मम्मी पापा के लिए सिर दर्द या बोझ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने श्रद्धा दीदू के ससुराल में शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। सच कह रही थी आप बहन जी। कीर्ति सचमुच अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, और हमें नहीं लगता कि अभी 2-3 साल बाद भी तैयार हो पाएगी। हम चलते हैं। नमस्ते। सच कह रही थी तुम, कुछ ज्यादा ही चंट निकली है कीर्ति, बच गया हमारा बच्चा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि एक नंबर की चंटू रानी है, आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, अब चलो यहाँ से। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, हा? तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं, हे भगवान उनके घर में कोई हंगामा ना हो बस। इतना हंगामा काहे कर रही हैं आप, हम तो सिर्फ अपने बेटे का रिश्ता लेके गए थे वहां। नैना भाभी, आपके बेटे का रिश्ता हम तोड़ने नहीं गए थे वहाँ। तनुजा तुमने सोचा भी है कि वहाँ हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, माँ बेटी बिना किसी बड़े के बिना सलाम मशवरा किए पहुँच गई मूठा के रिश्ता लेके। भाभी हम तो बस, आप तो बस चुप ही रहिए। ताई जी आप शांत हो जाइए, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरी खुशी के लिए। बड़े बात कर रहे हैं ना, वो आपस में समझ लेंगे, तू मेरे साथ चल, आजा चल। चौधराहट चढ़ रही है, तुम ही भेजे थे ना चाची को कीर्ति के यहाँ पर? ऐसा है कि कल जो पूजा में हो रहा था ना, वो छुपा नहीं है इन नजरों से। ऐसा है ना कि हमारी नजरों से कोई बात छुपी नहीं है, ना ही आपकी हरकतें
और ना आपके इरादे। भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बचपन से ही आपसे कभी भी हमारी खुशी देखी नहीं गई, लेकिन आज तो आपने हद ही पार कर दी तनुजा। आपसे हमारे बेटे की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। नैना जी, अभी आप गुस्से में, लेकिन आगे फिर कभी अपने परिवार के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप इन्हें परिवार कहते हैं, हम तो इन्हें पीठ पे वार करना कहते हैं। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, बड़ी ही खूबसूरती से आपने पीठ पीछे वार किया। हमारा मतलब था कि बहुत अच्छी तैयार होकर गई थी आप वहां। जीतू, आपने ही तो ये सलाह दी थी ना, तो अब आप काहे चुप हैं? अरे हम तो इस घर में सबसे छोटे हैं, हम में आप जितनी समझदारी कहां। आपको तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था जाने से पहले। आपको पता है यश्मी जी इतनी परेशान थी कि उनको लड़की के ससुराल वालों को मना करना पड़ा। माफी मांग रही थी वो हमसे, और अगर वो फोन नहीं करती ना तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। पापा, ये भाभी की उम्र तो कीर्ति से भी ज्यादा तेज निकली। देखो कितनी जल्दी चुगली लगा दी। चुप करो। एक तो तुम्हारी माँ ने झूठ बोला, मेरे मना करने के बावजूद भी वहां चली गई, और तुम उसका साथ दे रही। साथ? तुझे लगता है कि इस सब के बाद मैं तेरा साथ दूंगा? अब इस घर के लाड साहब हमको समझाएंगे। अबे भूल गया क्या, जब तुम कीर्ति के नाम की माला जप रहे थे ना, तो हम मदद किए थे तुम्हारी। बताए क्या जाकर सबको? बेटा ऐसा है कि मेरी बात परिवार के बीच में हुई थी, और तेरी बात इस बवाल का कारण है। कुछ बवाल नहीं होगा, बेइज्जती की है तुमने उनकी। कितना बुरा लग रहा होगा उनको। बुरा लगे तो लगे, और हमें डर किस बात का? क्या हम लड़की वाले हैं? मम्मी, हम कितना भी अच्छा कर लेना, आपको हमारी बिल्कुल कदर नहीं है। कदर तो दूर की बात रही भाभी, आपने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा है हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। शांत हो जाओ परुजा। अरे भाई साहब, कैसे शांत हो जाए, हम भी इस घर का हिस्सा है। जैसे भी हो अपना कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन हर वक्त हमें यही जताया जाता है जैसे हम इस घर में कोई बोझ हैं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई साहब, सबसे पहले हम भाभी के पास गए थे कीर्ति के रिश्ते के लिए, लेकिन हर बार की तरह इन्होंने मना कर दिया। भाई साहब आप ही बताइए, अगर अभय की जगह वरुण होता तो भाभी भी यही करती ना? तनुजी चुप हो जाइए। नहीं तनुजा, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि वरुण और अभय में जमीन आसमान का अंतर है, और आज जो आपने किया है ना, उससे हमारी नाक कट गई है। हिम्मत तो देखो, हमारे लिए रिश्ता भेज दिया। तू अपनी हद पार कर रहा है अभय। कहे बे, हद तो तू पार कर चुका है, और कीर्ति के चक्कर में जो इतना बोरा गया है ना, तेरे इस चेहरे पे ना रिजेक्शन छपा हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। अबे ओए, तुझे क्या लगता है कीर्ति मुझे छोड़कर तुझे पसंद करेगी? तू जैसे निकम्मे को। हाँ, और हाथ ना जरा संभाल के, वरना तोड़ दूंगा इसे। कीर्ति हमें पसंद जरूर है, पर हम नहीं भिजवाए थे उसके घर रिश्ता। अब तुम्हारा ये निकम्मा भाई शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कीर्ति से, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तू भी आए और मैं भी देखता हूं कैसे करता है तू शादी कीर्ति से।
लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहना। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।